हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 26 फरवरी 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे, एक स्टेट रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगी और स्पेशल नॉलेज रहेगी। ठीक है, मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। हमें किसी भी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी क्या आता है कि हम लोग वेट करते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पर ऐसा नहीं करना है। आपको कोई तिथि और कोई मुहूर्त नहीं देखना है, बस आपको अपना वर्क करना है ईमानदारी से। आपके लिए हर दिन खास बनते जाएगा और आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। वन लाइनर न्यूज़ में पहली न्यूज़ रहेगी अर्थव्यवस्था से। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने इंडिया एनएक्स के वैश्विक डेल्ट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर 850 करोड़ रुपए के 10 साल के लिए अपने मसाला बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने? एडीबी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मंच कौन सा है जो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में स्थित है? तो वो है इंडिया INX। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा रहा है? तो वो रहा है दिल्ली। दिल्ली तो आपको बस अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात आए तो आपको दिल्ली बिल्कुल पता भी नहीं हो, फिर भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि उसकी एयर क्वालिटी रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं? तो 21 शहर जो हैं भारत के ही हैं जो पॉल्यूटेड हैं। तो कितनी बुरी दशा है भारत में, तो ये तो आप खुद समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो वो है गाजियाबाद, जो कि भारत के अंदर ही है। ठीक है, इसके बाद चीन में होटन एक राज्य, पाकिस्तान में गुजरनवाला और फैसलाबाद, और पाँचवें स्थान पर है दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है पाँचवा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो प्रदूषित देश अगर पूछ लिया जाएगा तो फर्स्ट नंबर पर है बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, फिर है मंगोलिया और फिर है अफगानिस्तान, उसके बाद हमारा आ जाता है भारत। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या रहेगी। राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी, 25 फरवरी को किस शहर में भारतीय आदिम जाति सेवा सेवक संघ की अखिल भारतीय आदिवासी कार्यकर्ता बैठक हुई है? तो कहाँ हुई है? तो ये दिल्ली के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 के विजेताओं की संख्या कितनी है? तो वो है 23। 23 संघ छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं और 6 संस्थान उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार के विजेता हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की चौथी वर्षगांठ समारोह के लिए थीम क्या रही थी? आत्मा गांव की सुविधा शहर की। ओके, आत्मा गांव की सुविधा शहर की, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हुआ है जिसकी चौथी वर्षगांठ थी, उस पर उनकी थीम रही है आत्मा गांव की सुविधा शहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे तेज और विशेष लड़की और वह सबसे छोटी भी है, वह कौन है जो खुले पानी में कम समय से लेकर 14 किलोमीटर 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकेंड में तैर कर निकल गई या तैर गई? ओके, तो उसका नाम है GRI, ये केवल 11 वर्षीय लड़की है। इसने क्या किया है, 14 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकेंड में पार कर लिया है तैर के। ओके, स्विमिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जो पहले के एक फैसले को उलट देता है, जिसके तहत लोग सीधे सीधे किस पद के चुनाव करेंगे? तो ग्राम सरपंच, मतलब कि मुखिया के लिए। नेक्स्ट, जो को महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि विधानसभा में एक विधेयक पारित कर दिया है जो पहले के एक फैसले को उलट देता, मतलब एक पहले उनका फैसला था उसको परिवर्तित कर देता है, जिसके तहत क्या होगा, लोग सीधे सीधे पद के लिए, एक जो ग्राम सरपंच का पद होता है उसके लिए चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड जो प्रस्तुत किया है वो किया है मध्य प्रदेश ने, जो कि पहला राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल आप सभी को पता ही होगी भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी, तो उसमें
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का त्रिशाब हुआ था, रातों रात कई लोग सोते सोते ही उनकी डेथ हो गई थी, इतनी खतरनाक गैस थी ये, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन परमार को नियुक्त किया गया है। अब जो भी न्यूज़ेस फॉर्म हुई हैं उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को हम देख लेते। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो 26 जनवरी 1984 को स्थापित किया गया। अगर स्थान पूछ लिया जाए किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1948 को आदिम जाति सेवक संघ का गठन हुआ। संस्थापक पूज्य ठक्कर बापा हैं और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति सभी को पता है राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तैराकी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय तैराकी संघ की स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय नवरंगपुरा अहमदाबाद गुजरात है। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। डिटेल करंट न्यूज़ को देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हुई हैं। चिल्का झील में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या की गणना करने के लिए एक जनगणना की गई है। अब जो चिल्का लेक है, अब उससे आपको याद रखना, चिल्का लेक है कहाँ पर? तो ओडिशा की चिल्का लेक है और ये खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब क्या हुआ कि वार्षिक जनगणना के अनुसार ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या लगभग एक वर्ष में आधी हो गई है। मतलब जितनी भी डॉल्फिन्स वहाँ रहती थी उनकी जो संख्या है वो कम हो गई है, जितनी पहले थी उससे कई ज़्यादा कम हो गई हैं, आधी के बराबर रह गई हैं, जिससे राज्य की समग्र गणना में गिरावट देखी गई है। जनवरी 2020 की जनगणना में पिछले वर्ष पाए गए 126 में से केवल 62 समुद्री स्तनधारी गहिरमाथा पाए गए थे। गहिरमाथा ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में स्थित है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा, 24 फरवरी 2020 को जारी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल डॉल्फिन की गिनती 2019 में 559 मतलब 259 से 2020 में डॉल्फिन की गिनती ओनली 233 पर आ गई है। वन्य अधिकारियों ने कहा है कि 19 जनवरी को दिनभर चलने वाली डॉल्फिन की जनगणना के दौरान गहिरमाथा में इरावदी डॉल्फिन और केवल 2 बोटल नोज डॉल्फिन देखे गए हैं। ठीक है, ओडिशा के वन्य जीव प्रबंधन के उप जो संरक्षक है प्रदीप कुमार साहू के अनुसार 14 इरावाडी डॉल्फिन, 14 जो है बॉटल नोज डॉल्फिन और 98 हम्पबैक डॉल्फिन देखे गए हैं जो जनगणना हुई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है कि चिल्का लेक कहाँ है, तो वो ओडिशा में है। डॉल्फिन की संख्या की जनगणना कहाँ पर की गई जिसमें भारी मात्रा में गिरावट देखी गई है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क्स में, जो कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। ओडिशा की कैपिटल अगर पूछी जाएगी तो भुवनेश्वर होती है और वहाँ की जो सीएम है वो है नवीन पटनायक जी, गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केरियन 231 आकाशगंगा में आणविक ऑक्सीजन की खोज की गई है। हाल ही में एक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में जूनझी बांग के नेतृत्व में संघाई के खगोलविदों की एक टीम ने मिल्की वे से 581 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर विशेष रूप से मार्केरियन 231 में आणविक ऑक्सीजन की खोज की। यह नक्षत्र उर्सा मेजर में निहित है, इसके उज्ज्वल क्वासर के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मार्केरियन 231 आकाशगंगा में किसकी खोज की गई? तो आणविक ऑक्सीजन की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए SPICE+ लॉन्च कर दिया है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि बिजनेस को ईजी तरीके से करने के लिए एक SPICE+ नामक जो ऐप है उसे लॉन्च कर दिया। उसका वर्क क्या रहेगा कि 24 फरवरी 2020 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभागों की 10 सेवाओं को एकीकृत करते हुए कॉम्प्लेक्स ई फॉर्म SPICE+ पेश कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ मनाई गई है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी को मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। स्मारक की निर्माण उन सैनिकों की याद में किया गया है जो
विभिन्न युद्धों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शहीद हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2019 के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार, तो देख लेते हैं किस किस को ये पुरस्कार मिले हुए हैं। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने नई दिल्ली में विजेताओं को विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में किया गया। विभिन्न उपश्रेणियों के तहत कुल 23 टीमों को छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री निशंक ने उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार के तहत 6 संस्थानों को नामित किया है। ठीक है, तो विश्वकर्मा पुरस्कार जो है नई दिल्ली में विजेताओं को दिए गए हैं। ओके, तो अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। तो हमने पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था वो था हमारा एशियन बैंक से संबंधित, तो आज बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी जो सिद्धांत होती है या टैगलाइन होती है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, सिद्धांत अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा 19 दिसंबर 1966 को। ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाएगा तो मेट्रो मनीला फिलीपींस में आपको एडीबी का मुख्यालय मिल जाएगा। अगर सदस्य देश पूछे जाएंगे तो इस समय जो एडीबी है उसमें 68 देश हैं। ओके, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी असम से। तो स्टेट जो रहेगा असम रहेगा। असम की कैपिटल होती है दिशपुर। अगर जिले पूछे जाएंगे तो 33 होते हैं। गठन अगर पूछा जाएगा असम का तो वो होता है 26 जनवरी 1960 को। राज्यपाल अगर वर्तमान में पूछ लिए जाएँ तो आप तुरंत से बताएंगे जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री है सर्वनंदा सोनोवाल जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 26 हैं। विधान संसद राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट जो है 14 हैं। ठीक है, तो 33 जिले हैं और 7 राज्यसभा हैं और 14 लोकसभा हैं। तो ये आपको इसी तरह से याद रख लेना है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय वर्क करता है वहाँ पर। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर और दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय एवं पश्चिम में बांग्लादेश देश जो है स्थित है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली जोराहाट असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस पर जरूर आप मार्क करके याद कर लीजिए। पर्यटन क्षेत्र की बात करेंगे तो मानस प्रोजेक्ट, गांधी मंडप, कामाख्या टेम्पल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब जो हैं आपको हमारे इसमें असम में मिल जाएंगे। ओके, प्रमुख उद्योग असम का अगर पूछा जाएगा तो ये चाय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। विभिन्न देशों की संसद का नाम एक बार हम पढ़ा भी चुके हैं, फिर भी हम रिवीजन करना नहीं भूल सकते। रिवीजन कराते रहेंगे तो आपको तुरंत से याद हो जाएंगे। भारत की संसद को संसद ही कहते हैं ये तो आपको पता ही है। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। स्पेन की संसद अगर पूछ ली जाए तो स्पेन की संसद होती है कोर्टेस। ओके, ब्रिटेन की संसद होती है पार्लियामेंट। ईरान की संसद होती है मजलिस। इसराइल की जो संसद होती है उसका नाम होता है नेसेट। और जापान की जो संसद का नाम होता है वो होता है डाइट। यूएसए की संसद का नाम होता है कांग्रेस। और चीन की जो संसद होती है उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और नेपाल की जो संसद होती है उसे कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। ओके, तो ये तो हमारे स्टैटिक पोर्शन हो गया। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कल डिस्कस किए थे आज भी वही डिस्कस करेंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो फिटकरी और सोरा जो होते हैं नाइट्रिक अम्ल के मुख्य स्रोत हो जाते हैं। क्रूसीफेरी कुल में कौन कौन सी वनस्पति आती है, तो मूली सलजम और सरसों जो है क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आ जाती है। स्प्रिट का रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्प्रिट का रासायनिक नाम होता है मैथिल अल्कोहल। और डायनमो की खोज किसने की थी, तो माइकल फेराडे ने की थी। ओके, पीतल किन किन घटक का मिश्रण है, तो वो तांबा एवं जस्ता जो घटक होते हैं उनका मिश्रण होता है। गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो बैक्यूरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूसला जड़ के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो गाजर सलजम चुकंदर तथा मूली जो है मूसला जड़ों के उदाहरण हो सकते हैं। लार के कौन से, लार में जो सलाइवा होती है हम लोग की उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन और माल्टोस पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फाइकोलॉजी, और कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का विद स्टैटिक जीके एंड जीएस के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, आई होप अच्छा ही लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप को भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेलीमोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको खबरी ऐप पर जाना है और वहाँ तैयारी बिगनर्स की सर्च करना है, फॉलो भी करना है और सुनना भी, जिससे आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अपना और अपने सपनों का ख्याल रखना है, अपने परिवारजनों का ख्याल रखना है और आगे बढ़ते जाना है, निरंतर प्रयास करते जाना है, मन में जुनून रखना है, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।